अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमदाद सुमरो। आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम होने का ऐलान कर दिया है। अभी इलेक्शन हुए नहीं, अभी इमरान ख़ान साहब ने वहाँ इलेक्शन की मुहिम शुरू की नहीं, अभी उन्होंने जाना है। अभी इंतखाबात होने हैं 25 जुलाई को। अभी इंतखाबात में 12-13 दिन बाकी बचते हैं, लेकिन 11-12 दिन लेकिन ऐलान हो चुका है, ढोल बज चुका है, जीत का ऐलान हो चुका है और अपोजिशन को दावत दी जा चुकी है कि जनाब हम जीत गए हैं, आप लगाएं जलकर धरना और आप तैयारी करें धरने की। और साथ ही ये भी कहा गया है कि शफाफ इलेक्शन के लिए फ़ौज भी तायुनात हो सकती है। और दूसरा, मरियम नवाज़ साहिबा कश्मीर में हैं और उन्होंने आज लिपा में ख़िताब किया है और उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब के बयानिए पर चलने की दावत दी है इदारों को कि नवाज़ शरीफ साहब के बयानिए पर चलें तो ही पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। और आखिर में अब ये मामला तो आखिर में होगा तذکرہ अपने मेहरबानों का जो वीडियोस पर कमेंट करते हैं, अपनी आरा से आगाह करते हैं। तो पहले मरियम नवाज़ साहिबा और फिर वो जो जश्न का ऐलान हो चुका, जीत का ऐलान हो चुका हुआ है, अपने जश्न मनाने का और अपोजिशन को धरना देने की जो दावत दी गई है उस पर बात होगी और फिर फ़ौज की तैनाती। तो मरियम नवाज़ साहिबा लिपा में हैं और उन्होंने आज ख़िताब किया, आज कदरे कुछ दो कदम आगे गई हैं मरियम नवाज़ साहिबा तकरीर में। और उन्होंने, क्योंकि वो इधर उधर की बातें नहीं करती थी, इधर उधर से मुराद की वो टोटल फोकस्ड थी कश्मीर के इलेक्शन पर, कश्मीर पर, कश्मीर के मसले पर, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब की पॉलिसियों पर जिनको वो नाकाम करार देती रही हैं, नाकाम करार देती हैं और उनको कश्मीर फरोश कहती हैं कि उन्होंने कश्मीर बेच दिया, वो उस पर फोकस्ड रहीं। और फिर ज़ाहिर है अपने वालिद साहब की, जो उनका ख्याल है कि उन्होंने पाकिस्तान को और कश्मीर के लिए बहुत ज़्यादा खिदमात सर अंजाम दी हैं, तो उनके मुतालिक वो फोकस्ड रहीं। लेकिन आज ज़रा वो थोड़ा सा क्रीज से बाहर निकली हैं, उन्होंने कोशिश की है। वो जो बात मैं कहता था कि जी मरियम नवाज़ साहिबा मुमकिन है कि इस वजह से कश्मीर में वो बातें नहीं कर रही कि कश्मीर एक हसास इशू है, अगर कश्मीर में वो इलेक्शन में किसी और की मुदाखलत का जिक्र करेंगी, 2018 के इलेक्शन का जिक्र करेंगी और फिर वो जो उनका मुस्लिम लीग नून का बयानिया है कि फ़ौज और इदारों ने मुदाखलत करके मुस्लिम लीग नून को हराया, तो अगर वो वहाँ पर बात करेंगी तो उस पर मुमकिन है कि उन पर वो जो कल वैसे भी हुकूमत ने, हालांकि मरियम नवाज़ साहब ऐसी कोई बात नहीं कर रही, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत की तरफ से उन पर यह तनकीद आ रही है और बार बार आ रही है कि मरियम नवाज़ जो हैं वो क्या कर रही हैं, भारत की ज़बान बोल रही हैं, इंडियन की, इंडिया की बोली बोल रही हैं। तो मरियम नवाज़ की हर तकरीर पर चाहे कोई भी वज़ीर हो, उनका जवाब नपातुल्ला यही होता है, उनका रद्दमल नपातुल्ला यही होता है कि ये तो इंडिया की बोली बोल रही है, तो भारत की बोली बोल रही है। तो उस वजह से भी मरियम नवाज़ साहिबा, मेरा ख्याल था कि मोहतात हैं और इस वजह से बात नहीं कर रही, लेकिन आज उन्होंने वो ज़रा उस तरफ गई हैं। उन्होंने कहा कि जी मैं आज जा आ रही थी तो मुझे सलूट किया फ़ौजी जवानों ने और फिर उन्होंने कहा कि जी मैं, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो लोग ये कहते हैं, ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि नवाज़ शरीफ फ़ौज के ख़िलाफ़ है। नवाज़ शरीफ फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं है, नवाज़ शरीफ ने फ़ौज का दिफाई बजट जितना बढ़ाया उतना किसी ने नहीं बढ़ाया, जितनी तनख्वाहें नवाज़ शरीफ साहब ने फ़ौज की बढ़ाई किसी ने नहीं बढ़ाई और इस हुकूमत ने, इमरान ख़ान साहब ने तो फ़ौज की तनख्वाहें नहीं बढ़ाई, हालांकि अब वो मामला आ गया हुआ है कि जी वो 15% जो तनख्वाह, 10% जो बढ़ी थी सरकारी मुलाजमीन की, उसके अलावा भी यानी मजमूई तौर पर 25% वो एक समरी मूव हुई है फ़ौजी जवानों की और फ़ौजी अफसरान की तनख्वाह बढ़ने की। तो लेकिन मरियम नवाज़ साहिबा ने बहरहाल ये बात की और फिर उन्होंने कहा कि जी नवाज़ शरीफ साहब फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं है। नवाज़ शरीफ साहब का जो बयानिया है वो ये कह रही हैं कि जी उस बयानिए पर इदारों को भी, ज़ाहिर इदारे कौन से, नवाज़ शरीफ साहब की ज़्यादा तनकीद का जो निशाना बने या मरियम नवाज़ साहिबा ख़ुद भी कहती रहीं, वो तो वो जो अस्करी हुकाम है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, DGISI या वो जिनको वो समझते हैं कि वो मुदाखलत करते रहे, तो वो बने नवाज शरीफ साहब की तनकीद का निशाना या फोकस। तो ज़ाहिर है वो फिर उनका ही जिक्र था तो उन्हीं के हवाले से ही। और जब नवाज शरीफ साहब की गुजरांवाला की पहली तकरीर हुई थी 16 अक्टूबर की, तो उस तकरीर के फौरन बाद नवाज शरीफ साहब ने या मुस्लिम लीग नून ने उस पर जो वजाहत की थी मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, मुख्तलिफ टॉक शोज़ में, वो ये थी कि ये तनकीद इदारे पर नहीं है, ये तनकीद है उन किरदारों पर जो सियासत में मुदाखलत करते हैं। तो आज भी मरियम नवाज़ साहिबा ने वही बात रिपीट की है कि जी हमारा, नवाज़ शरीफ का बयानिया एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है या एंटी फ़ौज नहीं है, नवाज़ शरीफ का बयानिया
वो है आइन जो वो ज़ाहिर है वो आगे उस तरह नहीं गई, लेकिन उन्होंने कहा कि जी वो इदारे अगर नवाज शरीफ साहब के बयानी पर चलेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो वो बयानिया यही था कि जी हर कोई अपने अपने दायरे कार में रहकर काम करे। और ज़ाहिर है एक बयानिया जो सिविलियन सुप्रीमेसी का बयानिया जो समझा जाता है कि नवाज शरीफ साहब का है, तो उसके मुताबिक तो फिर पार्लियामेंट बालादस्त होगी और पार्लियामेंट के नीचे तमाम इदारे होंगे, पॉलिसी पार्लियामेंट बनाएगी और बाकी इदारे उस पर अमल दरामद करेंगे। कोई भी इदारा हुकूमत बनाने हुकूमत गिराने के लिए किरदार अदा नहीं करेगा। माजी में हम देखते रहे ऐसा होता रहा है, तो और चाहे वो फौज हो चाहे अदलिया हो, वहाँ से मुदाखलतें होती रही हैं। तो मरियम नवाज़ साहिबा का उधर था कि वो अगर नवाज शरीफ साहब मुदाखलत रोकने की जो बात करते हैं, मुदाखलत ना करने की जो बात करते हैं, अगर उस बयानिए पर इदारे आते हैं, फिर ज़ाहिर एक इदारा तो नहीं है ना, उसमें फिर फौज भी है, उसमें अदलिया भी है, उसमें दूसरे कोई इदारे भी मुदाखलतें करते रहते हैं, अगर वो इदारे मियां नवाज शरीफ साहब के बयानिए पर आ जाएंगे तो फिर पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। और आरटीएस वगैरह का उन्होंने कहा कि ये हुकूमत जो है दानली की पैदावार है, आरटीएस का जिक्र तो हर जलसे में कर ही रही हैं। एक और चीज़ मरियम नवाज साहबा ने की कि मैं पहली खातून हूँ पाकिस्तान की जिनको नैब ने कैद रखा और जो डेथ सेल में रही हैं कोट लखपत जेल लाहौर की। तो हाँ, लाहौर की कोट लखपत जेल में तो शायद पहली सियासी खातून होंगी, लेकिन डेथ सेल से भी बुरे हालात में जो रही थी, अल्लाह करे वो कोई किसी और को ये दिन ना देखने पड़े, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, जो अजियतें जो तकलीफ़ें उन्होंने उठाई हैं वो किसी के नसीब में ना। और मरियम नवाज़ साहबा ने खैर गड़ी खुदाबश में ख़ुद भी बात ये की थी। तो बहरहाल ये है कि मरियम नवाज़ साहबा अब अपने वालिद साहब के बयानिए को उन्होंने दोबारा जिक्र किया है, वरना वो इलेक्शन तक महदूद थी, कश्मीर के इलेक्शन तक, तो वो ज़रा आगे गई हैं। लेकिन उससे आगे चले गए हैं वज़ीर दाखला शेख रशीद साहब। उन्होंने कहा कि जनाब इमरान ख़ान जो है, हम कश्मीर का इलेक्शन जीत रहे हैं, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से कह रहे हैं कि इलेक्शन जीत रहे हैं और हम हुकूमत बना रहे हैं, और अपोजिशन जो है वो धरनों की तैयारी करे। यानी उन्होंने तो अभी मतलब अभी मैदान सजा नहीं, अभी इमरान ख़ान साहब वहाँ गए नहीं हैं, क्योंकि दो चार दिनों से शेख रशीद साहब ख़ुद भी कह रहे हैं कि खान साहब जाएँगे वहाँ पर और वहाँ जाकर इलेक्शन कैंपेन करेंगे और मैं भी उनके साथ जाऊंगा। तो ये शेख रशीद साहब ख़ुद कहते रहे। अब शेख रशीद साहब ने वहाँ जाए बग़ैर, वहाँ की वो फी लिए बग़ैर, क्योंकि सर्वेज भी मना किए होंगे कि सर्वे नहीं होंगे कश्मीर में, मरियम नवाज़ साहब ना जाने किन सर्वेज की बात करती हैं, उस तरह सर्वे नहीं हुए, वो जो गैलैप और मुख्तलिफ इदारे करवाते थे, मुख्तलिफ जो ऑर्गनाइजेशन इदारे वो वाले सरकारी इदारे नहीं, मुख्तलिफ प्राइवेट ऑर्गनाइजेशन या जो मीडिया के इदारे करवाते थे, वो सर्वेज नहीं हो रहे। तो पता नहीं मरियम नवाज़ साहबा ने किस सर्वे की बात की है, लेकिन बहरहाल बग़ैर किसी सर्वे के शेख रशीद साहब ने कह दिया है कि जनाब पीटीआई वहाँ जीत रही है। तो मैं जो गुजारिश करता होता हूँ कि जनाब इलेक्शन का मुकाबला है नून लीग और पीपल्स पार्टी का, जीतेगी पीटीआई। तो शेख साहब ने भी उसी हवाले से बात की है, क्योंकि मरकज़ में जिसकी हुकूमत होती है वो बहरहाल वहाँ पर, लेकिन इस बार माहौल ज़रा डिफरेंट है। गिलगित बल्तिस्तान में जो हुआ था, गिलगित बल्तिस्तान में आसानी से नहीं जीती थी पीटीआई, वहाँ पर भी पूरा जुगाड़ लगाने पड़े थे और कई के जुगाड़ लगाने पड़े थे, कई के टांके लगाने पड़े थे, आज़ाद लोगों को जितवा कर इधर से करके उधर से करके, क्योंकि पीटीआई को वहाँ लोग शायद वोट देने को तैयार नहीं थे, इसी वजह से आज़ाद लोगों को आज़ाद जीत कर जो है लोग आए उनको पीटीआई में शामिल करके हुकूमत बनाई गई थी, तो वहाँ नंबर टू आज़ाद थे। तो यहाँ पर भी कुछ जुगाड़ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और आज़ाद वगैरह का मिला के कोई हुकूमत बन जाए, या मुमकिन है कि पीटीआई यहाँ पर जीत जाए। लेकिन जो मरियम नवाज़ साहबा के कल और आज के जलसे थे और परसों के जलसे और उससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बड़े जानदार जलसे रहे, तो इतने बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं और उधर क्या है, उधर वीडियोज़ आ रही हैं कि अली अमीन गंडापुर जो है वो नोटों की थदियाँ बाँट रहे हैं, और सदके जाऊँ आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन पर, जिन्होंने वो पैसे तो जब्त कर लिए लेकिन ना अली अमीन गंडापुर को वहाँ से निकाला कि जी आप बाहर जाएं, यहाँ पर आप इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकते, वज़ीर हैं आप, और दूसरा आप तो पैसे तकसीम कर रहे हैं, और ना उस उम्मीदवार को नाहल किया जिस उम्मीदवार के इलेक्शन कैंपेन में वो पैसे तकसीम कर रहे हैं, पैसे जब्त कर लिए और उम्मीदवार बेकसूर। तो इस तरह के इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन करवाएगा, और फिर शेख रशीद साहब ने एक और बात भी कह दी कि अगर इलेक्शन कमीशन को ज़रूरत पड़ेगी तो फिर वहाँ पर साफ शफाफ इंतखाबात के लिए तो फिर वहाँ पर फ़ौज तायुनात होगी। ये मंत्रा समझ नहीं आता, ये फ़ौज का काम साफ शफाफ इंतखाबात करवाना नहीं है। अमन अमान की सूरत हाल अगर कोई मसला है तो फिर वहाँ ये कहा जा सकता है कि अमन अमान की सूरत हाल के लिए फ़ौज वहाँ तायुनात होगी, क्योंकि शेख साहब ने ख़ुद भी ये बात की है कि फ़ौज वहाँ पर होगी बाहर, पोलिंग स्टेशन के बाहर होगी।
तो फिर साफ शफाफ इलेक्शन तो जाहिर है वो हमारे यहाँ तो साफ लड़ाई झगड़ा नहीं होता इलेक्शन में जिस तरह इंडिया में होता है, मारकुटाई उस तरह नहीं होती, कहीं कहीं हो जाता है। हमारे यहाँ असल में होता है रिजल्ट चेंज। हमारे यहाँ जो शिकायत आती है, मतलब ये बात करो, RTS बैठ जाता है, हमारे यहाँ इलेक्शन को RO इलेक्शन कहा जाता है, तो उसमें अमन अमान की सूरत हाल को तो फौज कंट्रोल कर लेगी, लेकिन वो जो धांधली अंदर हो रही होती है, जिसका खदशा होता है, या जिसको इमरान खान साहब ख़ुद भी कह रहे हैं कि जी वो हम इसलिए EVM लाना चाह रहे हैं ताकि जो इंतखाबात हैं उस पर कोई सवाल ना उठे, उस पर कोई इल्ज़ाम ना आए, उसको शकुक व शुबात ख़त्म हो जाए इंतखाबात पर, जो हमेशा होते रहे, तो वज़ीर आज़म साहब ख़ुद भी कहते रहे। तो लिहाजा ये बात कहना कि फ़ौज वहाँ पर आकर साफ शफाफ इंतखाबात करवाएगी, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट ही गलत है कि फ़ौज साफ शफाफ इंतखाबात करवाएगी। फ़ौज के जाने से बुनियादी तौर पर फ़ौज को ही मुतनाज़ा बनाया जाता है, लिहाजा फ़ौज के लिए अगर लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो वो शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला है कि अगर अमन अमान की सूरत हाल के लिए इलेक्शन कमीशन को ज़रूरत पड़ती है तो फिर वहाँ फ़ौज तैनात की जाए और उसके लिए होता है, ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। तो एक तो ये चीज़ें हैं जी, इलेक्शन हुआ नहीं लेकिन मुस्लिम लीग PTI का जीत का जो है ऐलान कर दिया और वो भी वज़ीर दाखिला ने किया है, यानी तनाज़ा अभी से शुरू हो गया। आपको याद होगा 2013 के इलेक्शन में सबसे बुनियादी जो नुक्ता उठाया था इमरान खान साहब ने वो ये कि अभी रिज़ल्ट आए नहीं थे और रात को 11 बजे नवाज़ शरीफ साहब ने मॉडल टाउन में उस पर कोठे पर चढ़कर, वो जो उनका छत पर चढ़कर, कोठी की छत पर, जिसको कोठा कहते हैं हम सिंधी उर्दू में, सिंधी और पंजाबी में, तो वो उस पर चढ़कर उन्होंने ऐलान कर दिया था अपनी जीत का, तो लिहाजा ये इलेक्शन मुतनाज़ा हो गया। तो अभी यहाँ पर 11-12 दिन पहले शेख रशीद साहब अगर ऐलान कर रहे हैं कि PTI जीत रही है और हम जीत रहे हैं और अपोजिशन धरनों की तैयारी करे, तो फिर ऐलान तो हो गया और मुतनाज़ा तो फिर इलेक्शन ये भी हो गया और होगा। और ऐसा नहीं है कि इलेक्शन मुतनाज़ा नहीं होगा, क्योंकि रिज़ल्ट वही आना है जो तयशुदा है। जितने मर्ज़ी बड़े बड़े जलसे कर ले मरियम नवाज़ साहबा, जितने बड़े बड़े जलसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कर ले, चाहे असवा भुट्टो जरदारी साहबा जो कल परसों से जा रही वहाँ पर, वो अपनी वहाँ पर कैंपेन को चार चांद लगा दें, लेकिन शेख रशीद साहब की बात ठीक साबित होनी है और यहीं से इसी बयान से तनाज़ा शुरू होना है। अच्छा, अब एक वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब, क्योंकि वज़ीर दाखिला है और वज़ीर दाखिला का काम ज़्यादातर इस्लामाबाद में है, बाकी तो सूबाई अमन अमान जो है बाकी तो सूबों के पास है, सूबों के अंदर सूबाई सब्जेक्ट है। तो वहाँ पर शेख रशीद साहब ने इस्लामाबाद में, शेख रशीद साहब के इस्लामाबाद में जहाँ अमन अमान की उनकी ज़िम्मेदारी है, वहाँ पर एक शख्स जो है वो गन और छुरी के साथ, खंजर के साथ, वो पार्लियामेंट हाउस के बाहर दनदनाता फिरा। और एक नया सिकंदर, वो सिकंदर आपको याद होगा ना, जिसने वो वहाँ पर इस्लामाबाद में अपने बीवी बच्चों को लाकर फिर फायरिंग शुरू कर दी थी और उसे होस्टेज कर दिया हुआ था पूरे एरिया को, और पुलिस और ये वो, फिर वो पीपल्स पार्टी के ज़ुमरुद खान साहब हैं, उन्होंने ज़रा कमांडो बन के उसको गिराया और फिर उसको गिरफ़्तार कर लिया था। तो इसी तरह का सीन क्रिएट हुआ आज इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के बाहर, जब एक शख्स गन लेकर लहराता हुआ और खंजर लहराता हुआ दूसरे हाथ में, वो मतलब अजीब स्टाइल में वो वहाँ पर पहुँचा, तो उसको बहरहाल गिरफ़्तार कर लिया गया। अब तफ्तीश हो रही है। शेख रशीद साहब का कहना है कि जी उसको, उसके पास गोलियाँ नहीं थी, गोलियाँ थीं या नहीं थी जो मर्ज़ी, भाई वहाँ तक अगर एक शख्स असले के साथ पहुँच जाता है और असला लहराता है पार्लियामेंट के सामने, शारह दस्तूर है मेरा ख्याल है, वहाँ पर वो पकड़ा गया, तो वहाँ पर अगर वो असला लहराता है तो वहाँ तक वो पहुँचता कैसे है? शेख रशीद साहब तो इलेक्शन जीतने के का जुगाड़ लगा रहे हैं वहाँ पर, कैसे इलेक्शन जीता जाएगा? और वहाँ पर एक मुसल्ला शख्स जो है वो वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब की नाक के नीचे से गुजर कर वो असला लहराता हुआ पार्लियामेंट के सामने खड़ा हो जाता है, तो ये कमाल है। अब आखिर में जी हमारे जो मेहरबान अपनी आरा से आगाह करते हैं, उनमें उनका जिक्र हो जाए, मुबशर साहब हैं, वो कहते हैं थी खबर गर्म, नून लीग उड़ाएगी पुरजे, देखने हम भी गए पर तमाशा ना हुआ। फ़िलहाल पिंडी सरकार का दस्ते शफकत इमरान खान के कंधे पर है, इमरान खान के बाद हुमा बूट पॉलिश वाले फैसल वोडा के सर पर बैठेगा, फिर रोया करेंगे खान नू याद करके। ये दूर की कौड़ी लाएं जी, मुबशर साहब वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान अगर चला भी गया तो फिर फैसल वोडा आएगा, फैसल वोडा होगी दूसरी वो चॉइस। फैसल वोडा का तो खैर मामला इलेक्शन कमीशन में है, उनकी तो अहलियत का मसला बना हुआ है, तो लेकिन बहरहाल वे नून लीग पर भी इन्होंने तबसरा कर दिया हुआ है कि नून लीग जो है वो नहीं इमरान खान को चेंज करना चाह रही, लेकिन जब फिर फैसल वोडा टाइप कोई कैरेक्टर आ जाएगा तो फिर इमरान खान को याद करके रोएंगे कि चलो वो भी अच्छा था, वो इस तरह के लतीफ़े तो आपको याद ही होंगे। अच्छा जी, मोहम्मद आरिफ साहब हैं, वो कहते हैं शेख रशीद साहब का मतलब ये है कि आर्मी का फलसफा मार्शलाई हुक्मरानी पर PTI मुकम्मल तौर पर अमल पैरा है, यानी मार्शला हो या PTI की हुक्मरानी एक ही बात है। वो जो शेख साहब ने कहा था कि दो ही कौमी चीज़ें हैं,
एक पीटीआई दूसरी पाक फ़ौज, उस पर आरिफ साहब का ख्याल है कि शेख साहब ये कह रहे हैं कि जिस तरह मार्शल लॉ होता है उसी तरह पीटीआई की हुकूमत है। वैसे फ़र्क कोई बहुत ज़्यादा नहीं है कि वो जिस अपोजिशन के लिए मुखालफिन के लिए, अभी मरियम ने भी जिक्र किया था अपने जलसे में कि अदालतों के जितने फैसले आ रहे हैं, नवाज शरीफ पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं, शहबाज शरीफ पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं, अदालती फैसलों के मुताबिक ख्वाजा आसिफ पर कोई नहीं, एहसन इकबाल पर कोई नहीं, किसी पर करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, लेकिन सारे मुखालफिन अंदर चाहिए। तो ये जो मरियम नवाज़ साहबा की बात है और ये वाली जो आरिफ साहब का कमेंट के शेख रशीद साहब का ख्याल है कि पीटीआई और मार्शल लॉ एक ही चीज़ है, तो लग तो कुछ ऐसे ही रहा है जिस तरह मुखालफिन को तुना जा रहा है ना, वो कहते हैं ना तुन कर हुकूमत करेंगे 5 साल, तो हुकूमत तुन कर करें ना करें, मुखालफिन को अपोजिशन को शेख रशीद साहब ने ठीक ठाक तुना हुआ और अवाम का कोई ख्याल नहीं है, महंगाई की शक्ल में अवाम को अलग से तुना हुआ है। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।